यूएमटी और अनलॉक टूल में एक छोटा सा अपडेट आया हुआ है जो कि छोटा है मगर हाँ हमारे काम का है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूएमटी का अपडेट आया है और हमारे पास अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, अपने स्क्रीन पर देखिएगा आपको दिख जाएगा। जैसे कि हम ये हमारा यूएमटी का जो अपडेट आया है इसमें यहाँ पर यूनिसॉक जो सीपी होता है जिसे एसपीडी कहते हैं हम लोग, तो ये देख सकते हैं यूनिसॉक का जो अपडेट आया है उनमें ये इन्होंने दिया है सपोर्ट सीपीयू ऑल दिस ऑपरेशन विच एक यूजर कैन यूज बाय सेलेक्टिंग सीपीयू। तो पहले बहुत से ऐसे फ़ोन थे जो मॉडल वाइज सेलेक्ट करने पर भी नहीं होते थे या मॉडल बाय मॉडल ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, तो अगर उनमें इस टाइप का सीपीयू है तो आप यहाँ पर उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं, एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, जो यहाँ पर करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे इन्फिनिक्स हो गया, अल्टर हो गया या आपका टेक्नो हो गया, इन सब मॉडलों में आपको जो मॉडल नहीं मिल पाते थे सेलेक्टिंग अपने यूएमटी में, तो उनको हम सीपीयू की मदद से ये जो सीपीयू मॉडल दिए इनकी तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव एफआरपी, बैकअप रिस्टोर एनवीआरएम, बैकअप रीड फर्मवेयर, राइट फ्रेमवेयर, रीसेट यूजर डाटा, बूट लोड अनलॉक और इन्हें राइट आरपीएम भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट उन्होंने इसमें दिया था जो 27 तारीख को आया था, और उन्हें ये दिए सपोर्ट सिप यहाँ पे दिए हैं, ये हैं इधर है, मतलब ऊपर भी है ऑप्शन भी दे दिया है उसमें। आप जाएंगे तो V1, V2, V3 दिखा देगा, और सैमसंग के टैब के लिए भी है छोटा सा अपडेट है। और बाकी अपने मॉडल कोई काम का नहीं है, ये तो बाहर के हैं। आईटेल के कुछ मॉडल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, आईटेल कुछ मॉडल विजन वन प्लस कर दिया है, और ऐसे छोटा सा अपडेट इन्होंने यहाँ दिया। इसी तरह से अनलॉक टूल का भी एक अपडेट आया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वीवो के जो प्रीलोडर होते हैं मीडियाटेक वाले, वीवो एमडीएम, अगर आपको रिमो एमडीएम करना है तो प्रीलोडर की मदद से आप इन सीपीयू में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपडेट उन्होंने दिया है। या भी कुछ ही चुने हुए सीपीयू हैं जिनको आप एमडीएम रिमूव कर सकते हैं, एक क्लिक में कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होगा वो भी। आप अगर ये मॉडल जो इन्होंने सीपीयू के थ्रू यहाँ पर ऐड किए हैं तो आप दिखा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट हो गए, रेज एफआरपी हो गए, ओप्पो A59 5G का सपोर्ट भी दे दिया है, वन प्लस A2 का भी है, और लेनोवो टैब M10 थर्ड जनरेशन का भी है, टेक्नो पॉप 7 का है, और मोबी से LRX प्रो, और एंड्रॉयड टैब में एंड्रॉयड न्यू फंक्शन MTP SPID बाईपास FRP ओपन प्रो। हाँ, तो ऐसा कुछ मॉडल थे जिनमें आपको मतलब ब्राउजर के थ्रू ओपन करके FRP बाईपास करते थे, तो अब MT के थ्रू मतलब कुछ एंड्रॉयड टैब में आप वहाँ पर MTP मोड पर जाके SPID वाली जो हमारे जैसे होते हैं कुछ बहुत से मॉडल ऐसे आते हैं जिनमें SPID सीपीयू होता है, तो उनको आप बाईपास कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे यहाँ पर अनलॉक टूल में, ये हमारा अनलॉक टूल है और इसको ओपन होने आप जैसे देख सकते हो कि ये हमारा है, इन्होंने अपडेट दिया है 27 तारीख का अपडेट है, और वीवो MTK को यहाँ पर दे दिया है, ये सीपीयू दिए हैं जिनके आप MDM रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मीडियाटेक में आना है, मीडियाटेक के ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ स्पेशल में आपको यहाँ पर वीवो IMEI MDM का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये आपको एक ऑप्शन ये मिल गया है, आपको रिमूव कैसे करना है तो ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। यहाँ पर आप कस्टम प्रीलोडर सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पर हो जाता है, यहाँ से अपना प्रीलोडर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रीलोडर सेलेक्ट करके आप अपना MDM यहाँ से वन क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। तो दो छोटे से अपडेट थे जो कि बहुत ही अच्छे आए थे। अगर देखा जाए कि मार्केट में से बहुत सारे लॉक या अनलॉक के काम चल रहे हैं, KG लॉक का भी चल रहा है, तो आपसे यही कहूँगा KG लॉक तो ना करें, क्योंकि किसी से धोखा करना, किसी कंपनी से धोखा करना बहुत ही इलीगल काम होता है, तो आप इन समय ना पड़े। और आप नॉर्मली काम करते हैं तो बेसिक तौर पे ही करिए, कस्टमर से प्रूफ लीजिए और उसके बाद ही आगे काम बढ़ाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, केवल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।